रतन टाटा एक भारतीय बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, परोपकारी और टाटा सन के पूर्व अध्यक्ष हैं। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को अपने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ा, लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप के समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष आज भी हैं। रतन टाटा भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध उद्यमियों में से गिने जाते हैं। उनका स्वभाव बहुत शर्मीला है और रतन टाटा दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। रतन टाटा मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। टाटा ग्रुप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान भी करते हैं। टाटा कंपनी के लगभग 65% से ज्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बनाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। आज टाटा ग्रुप का 65% मुनाफा विदेशों से आता है। 1990 के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा को ही जाता है। बचपन से ही रतन टाटा का पालन पोषण उद्योगियों के परिवार में हुआ था। उनका परिवार ब्रिटिश कालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। इस वजह से रतन टाटा को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। रतन टाटा एक उच्च शिक्षित उद्योगपति हैं। उन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी से वास्तुकला की डिग्री प्राप्त कर रखी थी और यूएसए की ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया था। रतन टाटा अपनी उच्च शिक्षण पूरा करने के बाद जब भारत वापस लौटे, तब उन्होंने आईबीएम में जॉब की और 1962 में अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप में शामिल हुए, जिसके चलते उन्हें काम के सिलसिले में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर जाना पड़ा। उनकी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति की गई, जिसकी उस समय बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरी परिस्थिति थी और उन्हें 40% का नुकसान और 2% ग्राहकों के मार्केट शेयर खोने पड़े। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज्यादा मुनाफा करवाया और साथ ही ग्राहक मार्केट शेयर को भी 2% से बढ़ाकर 25% तक ले गए। उस समय मजदूरों की कमी और नेल्को की गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। जहांगीर टाटा ने जब रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित किया, उस समय ज्यादा अनुभवी ना होने का कारण बहुत से लोगों ने उत्तराधिकारी बनने पर उनका विरोध किया। लोगों का ऐसा मानना था कि वे ज्यादा अनुभवी नहीं हैं और ना ही वे इतने विशाल उद्योग जगत को संभालने के काबिल हैं। टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद 10 साल बाद उनकी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। रतन टाटा के अध्यक्ष बनते ही टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ था और इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। देश में सफल रूप से उद्योग करने के बाद टाटा ने विदेशों में भी अपने उद्योग का विकास करने की ठानी और विदेश में भी जगुआर, रोबर और क्रूज की जमीन हथियाकर वहां अपनी जागीरदारी विकसित की, जिससे टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान मिली और इसका पूरा श्रेय रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा भारतीय एड्स कार्य समिति के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। भारत में इसे रोकने की हर संभव प्रयास वे करते रहे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हमें रतन टाटा का भी काफी नाम दिखाई देता है। रतन टाटा मित्सुबिशी मोटर्स की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं और इसके साथ ही वे अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जेपी और मॉर्गन चेस एंड बर्ज में भी शामिल हैं। उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि रतन टाटा एक बहुप्रचलित शख्सियत है। सन 2008 में रतन टाटा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा येल की तरफ से नेतृत्व करने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का पुरस्कार उन्हें मिला था। सिंगापुर की नागरिकता का सम्मान उन्हें मिला है और इंडो इजरायली चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सन 2010 में बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड का सम्मान। इसके अलावा टाटा परिवार के देश की प्रगति में योगदान हेतु परोपकार का कार्नेगी मेडल भी दिया गया। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस वीडियो को लाइक करके आपका प्यार V4 इनोवेटिव को देते रहें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।